हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? सब लोग बहुत अच्छे हैं। ऑसम, यस। सो स्ट्रिंग्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वन शॉट वीडियो के लिए, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक जस्ट नेक्स्ट टू मैट्रिसेस, दैट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट राइट। अब इसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में 2021 में सीबीएसई के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी आपके नेक्स्ट मंथ बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे फर्स्ट आपका है फाइंडिंग डिटर्मिनेंट। फाइंडिंग डिटर्मिनेंट सेकंड टॉपिक हमारे सिलेबस का है, दैट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, राइट। थर्ड टॉपिक है माय डियर आप लोगों का, थर्ड टॉपिक इज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, राइट। फोर्थ टॉपिक आप लोगों का अब आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक, फिफ्थ वन फोकस, That is adjoint. Sixth topic हमारा आ जाएगा inverse of determinant of a matrix. Seven. हाँ जी, इसके बाद कोई टॉपिक बचता है देखो जो बोर्ड का है। इसके बाद आप लोगों का एक टॉपिक आता है जो बोर्ड के अकॉर्डिंग आता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो टॉपिक आप लोगों का होता है लीनियर इक्वेशन, जो 2021 के अकॉर्डिंग डिलीट हो गए। तो हमारे सिलेबस में, क्योंकि मैं उस चीज़ को भी डिस्कस कर रही हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत है बच्चों को। हमें अभी तक, वी आर अबाउट टू एंड द ईयर ऑफ दिस सेशन, तो हमें यही चीज़ें क्लियर नहीं है कि कौन सा टॉपिक कट गया कौन सा आना है। तो आई गेस इट्स क्लियर नाउ, फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, माइनर्स, कोफैक्टर्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन एडजॉइंट, देन इनवर्स। क्लियर जी? राइट, let's start with finding the determinants. Very first topic, that is finding determinant, right? So friends, determinant, सबसे पहले determinant क्या होता है? It is a value. It is a value associated with a matrix. Associated with a matrix, right everyone? Matrix हमने देखा था एक arrangement है, determinant एक value है। अब अगर आपके पास कोई matrix दे रखा है, तो just इसका determinant find करने, तो आप denote करोगे या तो a determinant within parallel और modular sign, या फिर determinant of a। अगर determinant find करना है तो सबसे पहले कंडीशन, इट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ किसका फाइंड होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। इतनी बात क्लियर हुई? यस। तो फ्रेंड्स, अगर अब मेरे पास 2x2 का डिटर्मिनेंट मेरे को सॉल्व करना है, तो अगर ए मैट्रिक्स मेरे को दे रखा है 2, 3, 4, 1, मेरे को इसका ए डिटर्मिनेंट करना है, सो इट विल बी, पहले साइन चेंज होएंगे, ब्रैकेट स्क्वायर से पैरेलल वाली हो गई है, अब मल्टीप्लाई डायगनली माइनस नॉन डायगनली, सो 2 × 1 − 4 × 3, सो 2 − 12, इट इज −10। यस, क्लियर? राइट, तो इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2। अगर मेरे को 1x1 का ही सॉल्व करना होता, दैट इज अ मैट्रिक्स इज जस्ट 2, तो इसका डिटर्मिनेंट एक खुद ही आ जाता, राइट। फाइन, लेट्स मूव टू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3x3। अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मेरे को इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो बी फोकस, सबसे पहले इसका पैरेंथेसिस को चेंज कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट एवरीवन?
ध्यान से फोकस करना कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करना है। अगर मेरे को इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, लेट मी इलेबोरेट बाय अ रो और बाय अ कॉलम, एनी रो एनी कॉलम। तो हम कैसे साइंस लेते हैं, आई विल चेंज द कलर। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइंस क्यों आए हैं इस वीडियो में हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर मैं एक्सपेंडिंग लॉन्ग आर वन, अगर आर वन के लॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूं तो कैसे होगा, वन एज इट इज, प्लस लेना था प्लस ही लिया है, उसके बाद इस बी फोकस, अगर मैं हाईलाइटर से इसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, इसका रो छोड़ दो, तो जो चार एलिमेंट बचे दैट यू नीड टू टेक, तो मेरे पास आ जाएगा 5, 8, 6, 9। फिर माइनस मैंने अपनी तरफ से लेना था, देन एलिमेंट सेकेंड वन 4, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, तो आपके पास बचेगा 2, 8, 3, 9, देन 7, इसका रो कॉलम छोड़ दो, यू विल गेट 2, 5, 3, 6, राइट। तो आपके पास आ जाएगा 45 minus 48 minus 4 into 18 minus 24 प्लस 7 into 12 minus 15, राइट। तो आपके पास कितना आ जाएगा, इट विल बी -3 minus 4 into -6 प्लस 7 into -3। सो लेट मी सॉल्व। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा आपका, इट विल बी -3 plus 24 minus 21। सो -3 plus 3 यू विल गेट 0। तो इस 3/3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, फाइन। इसके बाद हम यहाँ पे गलती करते हैं, मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को गलती करते देखा है कि उनकी गलती कहाँ पे होती है, आपको पेपर में आ जाता है फाइंड एक्स, ठीक है जी। अगर आपको पेपर में आ गया फाइंड एक्स, आपके पास डिटर्मिनेंट है 2, 4, 5, 1, दैट इज इक्वल्स टू 2x 4 6x, राइट। अब बच्चे कहां पे गलती करते हैं, बहुत बच्चे, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे से पूरी प्लस टू पढ़े उनको पता है ये बात, वो कहां पे गलती करते हैं, वो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इसको इक्वालिटी लगा देते हैं, वो फटाफट से करते हैं 2x = 2, 2, तो x 1। अरे रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, इट इज अ डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 minus 20 is equals to 2x² minus 24, राइट। तो आपके पास आ जाएगा -18 is equals to 2 common x² minus 12, राइट। तो -9 is equals to x² minus 12, राइट। तो आपके पास आ जाएगा x² is equals to 3, तो x आ जाएगा ±√3, बिल्कुल करेक्ट, राइट। सो इट इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सबको। अब अगली बार आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? सिंगुलर, एक सिंगुलर होता है, एक नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है जी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज 0। और नॉन सिंगुलर कौन सा होगा, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। इट मींस जो नॉन सिंगुलर होगा उसी का इनवर्स पॉसिबल होगा। ये क्यों होगा हम आगे बात करेंगे, अभी तक यहीं पे माइंड में रखो कि जो नॉन सिंगुलर है उसी का इनवर्स पॉसिबल होगा, जो सिंगुलर है उसका तो इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके बेसिस पे यूजली सीबीएसई बहुत क्वेश्चन पुट करता है। देखो अगर मेरे को दे रखा हो फाइंड एक्स इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर,
राइट, फाइंड एक्स इफ मैट्रिक्स इज सिंगुलर. अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है दैट इज 1 1 x माइनस 2 2 2 3 1 माइनस 3, आपको इसको सिंगुलर है x फाइंड करनी है, तो फटाफट जो बात मैंने आपको अभी बोली, अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट 0, राइट. अगर 0 है तो 1 1 x 2 2 2 3 1 माइनस 3, देयर इज अ साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0, राइट. चलो फटाफट से डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया, फटाफट से सॉल्व करो. 1 into -6 -2 -2 into -3 -x + 3 into 2 - 2x = 0, राइट. सो इट विल बी -8 + 6 + 2x + 6 - 6x = 0. तो फटाफट से फ्रेंड सॉल्व कर लो. You will get 6 6 12 12 - 4 8 4. So 4 - 4x = 0. तो आपके पास x कितना आ जाएगा? 1. Ready? Done. Finish. हो गया हमें ये topic भी clear. Right or not? Yes. अब अगला topic हमारे पास आता है minors and cofactors. माइनस एंड कोफैक्टर्स. जितने एक स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होंगे उतने ही माइनर्स होंगे, उतने ही कोफैक्टर्स होंगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है लाइक 2 by 2, अगर मैं बात करूं a11 a12 a21 a22, ठीक है जी, तो मेरे पास चार ही माइनर होंगे. तो माइनर होंगे m11 m12 m21 m22, ठीक है. तो m11 कितना होगा? बी फोकस्ड, पूरा का पूरा ध्यान यहां पे हो. इस एलिमेंट जिसका माइनर दिखाना है उसकी रो उसका कॉलम छोड़ दो, तो जो एलिमेंट बचा दैट इज योर माइनर. तो a12 कितना होगा? इस एलिमेंट का कॉलम रो छोड़ दो, यू विल गेट a121, राइट. फिर a21 का a12, फिर a22 का a11. ये तो हो गया आपके माइनस. अब अगर कोफैक्टर निकालने, तो ये कोफैक्टर कौन सी मूली है? सोच के देखो. कोफैक्टर इज -1 raised to power i + j (MIJ) दैट इज इक्वल्स टू CIJ या फिर कैपिटल AIJ, ठीक है. देखो -1 raised to power i + j, अब मैंने जो बात बोली थी प्लस माइनस प्लस वाली, तो अगर ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, ऐसा ही होता है. हालांकि 2 by 2 में हम लोग यूज नहीं करते, पर फिर भी ऐसा होता है. तो ये प्लस क्यों है? इन दोनों के एडिशन करो. 1 + 1 एक इवन नंबर बना, -1 की पावर इवन नंबर, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव. -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, तो वहीं से आया. तो आपके पास अब C11 कितना बन जाएगा? -1 की पावर 1 + 1 × a22, राइट. फिर C12 -1 की पावर 1 + 2 × a21, फिर C21 की पावर -1 की पावर 2 + 1 × a12, फिर C22 - 1 की पावर 2 + 2 × a11, राइट. माइनस की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो आपके पास ये आंसर आ गया a22, ये आंसर आ गया -a21, इट इज -a12 एंड हियर इट इज a11. तो माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालने आ गए. इसे 2 by 2 सेम 3 by 3 का होगा, बिल्कुल सेम. 3 by 3 को हम एज एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. Find minors and cofactors. पेपर में सारे के सारे भी निकालने आ सकते हैं,
कुछ वन रो वन कॉलम स्पेसिफाइड भी आ सकते हैं किसके निकालने हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का एंड द मैट्रिक्स इज 1 4 3 -3 -1 5 2 2 2 इसके मैंने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाले राइट। तो सबसे पहले m13 राइट ऐसा नहीं है, पहले आराम से लिख के रख लेते हैं क्योंकि पेपर में जो आप गलतियां करने वाले हो वही गलतियां मैं कर रही हूं। अब m21 m22 m23 ठीक है जी। उसके बाद m31 m32 m33 राइट बेटा जी, बिल्कुल राइट। ठीक है, एक वन वन कितना आएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ दो, आपके पास आएगा -2 -10 दैट इज -12। फिर a12 कितना आएगा, 8 -6 दैट इज 2। फिर a13 कितना आएगा, 20 + 3 23 राइट। उसके बाद a21 -6 -10 दैट इज -16। a22 2 -6 -4 फिर a23 5 + 9 14 ठीक है। उसके बाद a31 -6 + 2 -4 a32 2 - 6 - 4 आफ्टर दैट लास्ट वन 3 3 -1 - -+12 + 11 ठीक है जी। अब मेरे को निकालने कोफैक्टर्स, तो c11 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 दैट इज 2 पॉजिटिव, तो ये एज इट इज चला जाएगा -12। फिर c12 माइनस, इसके आगे माइनस आएगा इट विल बी -2। देन c13 पॉजिटिव ही रहेगा। देन c21 c22 c33 राइट। तो c21 कितना आएगा, पॉजिटिव 16 हो जाएगा। 22 कितना रहेगा, एज इट इज रहेगा। 23 कितना हो जाएगा, -14 आ जाएगा, इट्स 23। अब आपके पास है c31 c32 c33। तो 31 माइनस 4 ही रहेगा, 32 प्लस 4 हो जाएगा, 33 प्लस 11 ही रहेगा राइट। अब इसके बाद इसको एज इट इज, जो पोजीशन का माइनस कोफैक्टर्स निकाले उनको एज इट इज असेंबल कर दो, आपके पास आ जाएगा -12 -2 23 देन 16 -4 -14 देन -4 4 11। दिस इज कॉल्ड, जो हमने मैट्रिक्स में कोफैक्टर्स लिख दिए तो हम इसको बोलते हैं कि आज से आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का नाम लोगे, सो इट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्लियर है, आगे जी सबको माइनस एंड कोफैक्टर समझने, पहले माइनस निकालो उसके बाद उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग -1 की पावर कर दो, दैट इज योर कोफैक्टर्स। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आप लोगों का, अभी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के साथ ही कंटिन्यू कर देती हूं, दैट इज एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ आर मैट्रिक्स। आप लोगों ने क्या करना है, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। सिंपल लैंग्वेज में जो आपने अभी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला उसी का ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ADJ मैट्रिक्स का नाम। हेयर आई विल राइट कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आपने अभी निकाला था, c11 c12 c13 c21 c22 c23 c31 c32 c33 3x3 का है, इसका ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम, तो इट इज यू नो एज
C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. This is your adjoint. हाँ जी, this is adjoint. आई बात समझ? It means अगर हमें minors आ गए, हमें cofactors आ गए, तो हमें adjoint भी find करना आ गया. Yes or no? बिल्कुल. Next. इसके बाद आपका आता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. अब इसमें ध्यान से सुनो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होएगा? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटरमिनेंट. ठीक है जी. A इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा. इट मींस A शुड बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देखो बात समझ आ गई होगी, जब हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था आई टॉक अबाउट सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, तब मैंने ये बात बोली थी. इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब ये नॉन सिंगुलर होगा. तो आपको पता चल गया होगा क्यों बोला था. अब देखो इनवर्स फाइंड करना कितना इजी है. एडजॉइंट फाइंड करना आ गया. एडजॉइंट इज जस्ट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. डिटरमिनेंट के हर वैल्यू को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ गया? इनवर्स. रेडी? श्योर? अगर ए इनवर्स का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है बोर्ड में तो 5 मार्क्स में आएगा. श्योर है? ठीक है जी. या तो ये आएगा या फिर मैट्रिक्स में हमने बात की थी कि कुछ ए क्यूब माइनस 3a² प्लस 7a - 5i ऐसे कुछ एक्सप्रेशन को जीरो प्रूफ करके उससे फर्दर ए इनवर्स फाइंड करना आ जाता है. ठीक है. या फिर इनवर्स, इनवर्स तो आएगा ही आएगा, इधर इट इन 3 और 5. इसके बाद आप लोगों के पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट. एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट, राइट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिटर्मिनेंट का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीजें इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उनको साथ बाय साइड अपने नोटबुक पे नोट कर लो कि ये चीजें हमने एग्जाम के टाइम पे पढ़ के जानी है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. इफ x1 y1, x2 y2, x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा? हाफ. तीनों वर्टिसेस को लिख लो, x1 y1, x2 y2, x3 y3. अब हमें तो 3 by 3 का चाहिए फॉर फाइंडिंग 1 1 1. इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट, राइट? अगर इसी में इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स क्या हो जाए? कोलिनियर, तो आप बोलोगे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0. दिस इंप्लाइज x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल्स टू 0. यस. इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इफ फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. तो आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे, एक मेरे को x1 y1 पता है, दूसरा मेरे को x2 y2 पता है. तो हम बोलेंगे एक xy खुद से ले लो, x1 y1 1, x2 y2 1, दैट इज इक्वल्स टू 0. हालांकि ये सब कुछ हमें स्ट्रेट लाइन में आता है, बट अभी बोर्ड्स आपसे पूछेगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, उस टाइम पे हमें यही काम आएगा. अब देखो प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं. इसके बेस्ड क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को बोल दें कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल 3a - 4 2 5 - 1. ठीक है जी. आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है अगर ये 3 वर्टिसेस गिवन है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ
स्पीक अप 3 8 1 -4 2 1 5 -1 1 इसको सॉल्व कर लो तो हाफ बाहर ही है 3 × 2 + 1 3 - 8 × -4 - 5 + 1 × 4 - 10 सॉल्व कर लो जी 1/2 9 + 72 - 6 सो आपके पास एरिया आ जाएगा 75/2 स्क्वायर यूनिट्स क्लियर है सबको राइट राइट सो कम टू द नेक्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट कौन से पॉइंट से पास हो रही है माय डियर 1, 2 and 3, 6 ठीक है तो फटाफट स्ट्राइक कर दिया डिटर्मिनेंट इज 0 एक पॉइंट एक्स वाई आप ले लोगे 1, 2, 1 हमें गिवन है 3, 6, 1 भी हमें गिवन है तो फटाफट लगा दो डिटर्मिनेंट एक्स बाहर 2 - 6 देन माइनस वाई यस 1 - 3 + 1 × 6 - 6 = 0 सो हियर आई विल गेट -4x + 2y = 0 तो -2x + y = 0 इट मीन्स y 2x - y = 0 इट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट 1, 2 and 3, 6 क्लियर है लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड इनवर्स हमने डिस्कस कर लिया है इनवर्स का मतलब क्या होता है इनवर्स हम 2/2 फाइंड कर रहे हैं 2 - 1 = 3 - 4 इसका इनवर्स करना है अब आपको पता है वेरी क्लियरली ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट राइट हम यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे पहले हम ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं पहले ए डिटर्मिनेंट ही कर लो 8 + 3 कितना आ गया जी 11 इसको हाईलाइट करके रख लो राइट अब मुझे निकालना है माइनस कोफैक्टर तो M11, M12, M21 अब तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए हो M21 कितना आ गया 4 M12 कितना आ गया 3 M21 कितना आ गया -1 22 कितना आ गया 2 अब C11 कितना आ गया 4 C12 इट विल बी -3 C21 इट विल बी 1 C22 इट विल बी 2 तो आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है कोफैक्टर मैट्रिक्स वो कितना आ जाएगा दैट विल बी 4 - 3 1 2 तो ए इनवर्स बेटा जी इसका ट्रांसपोज ले लो 4 - 3 1 2 1/11 दिस विल बी योर इनवर्स आई गेस इट्स क्लियर सो स्ट्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेंट जो अभी आएगा 2021 में जो अभी आपके मई में एग्जाम्स होंगे उसमें जो डिटर्मिनेंट का पोर्शन है वो इतना ही आएगा तो ध्यान से वॉच दिस वीडियो आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएगा फॉर एनी क्वेरी कमेंट मी ऑन दिस वीडियो थैंक यू सी यू वेरी सून लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो थैंक यू